टोनी बाहर निकलो, चलो मार्केट चलते हैं। बंदर भाई, तुम मार्केट क्या खरीदने के लिए जा रहे हो? टिट्टू भाई, मैं मार्केट पतंग खरीदने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोनों भाई भी मेरे साथ चलो। बंदर भाई, आज मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। एक काम करो, तुम और टोनी मार्केट चले जाओ और मेरे लिए भी एक पतंग खरीद लेना। ठीक है टिट्टू भाई। टोनी भाई, जल्दी से तुम मेरे गाड़ी पर बैठ जाओ। बंदर भाई, थोड़ा सावधानी से जाना। सुना है एक बहुत ही खतरनाक राक्षस आया है और उस राक्षस को कोई भी मिलता है तो उसे वहीं खा जाता है। तुम टेंशन मत लो टिट्टू भाई, यदि वो राक्षस मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा तो मैं अपना गाड़ी से उसे धक्का मारकर उड़ा दूंगा। ये सही समय है ये दोनों को उठाने का। अरे टोनी भाई, अपना गाड़ी ऊपर कैसे जा रहा है? अरे कोई है, जल्दी से हमें बचा लो। मुन्ना, मैं तुम्हारा दुश्मन को पकड़ कर ला दिया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। अरे बंदर भाई, वो राक्षस तो हम दोनों को चुड़ैल के पास लाकर छोड़ दिया है, अब क्या करें? अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं अभी तुम दोनों को खा जाऊंगी। मम्मी मम्मी, जल्दी से फ्रीज कर दो इन दोनों को। ठीक है मुन्ना। मम्मी मम्मी, वो बंदर तो भाग गया। भागने दो मुन्ना, वो बंदर अपना दोस्त टोनी को बचाने जरूर यहाँ आएगा, उसके बाद वो बंदर को जान से मारकर खा जाऊंगी। टिट्टू भाई, जल्दी बाहर निकलो। क्या हुआ बंदर भाई? टिट्टू भाई, टोनी को राक्षस पकड़कर चुड़ैल के पास ले गया है और चुड़ैल ने टोनी को फ्रीज कर दिया है। बंदर भाई, तब टोनी को बचाने के लिए मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। बंदर भाई, इस बॉक्स के अंदर टाइम बम है, मैं इस बॉक्स को किसी तरह चुड़ैल को दे दूंगा, फिर चुड़ैल को मजा ही आ जाएगा। चुड़ैल आंटी, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ, तुम मेरे भाई टोनी को छोड़ दो, ये मिठाई से भरा बॉक्स तुझे दे दूंगा। ठीक है, तुम ये मिठाई मेरे मुन्ने को दे दो, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी।